नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। किसमें कितना है दम सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 की रणभेड़ी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर भी कस ली है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा लगभग पूरी हो चुकी है। अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच में आज हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस पर पड़ेगी भारी। मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आता है। साथ ही यह उन 14 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जो पटना जिले के अंतर्गत है। यह विधानसभा साल 1952 में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राजद और जदयू के बीच में मुकाबला है। यहां राजद की ओर से अनंत सिंह को मैदान में उतारा गया है तो वहीं जदयू की तरफ से राजीव लोचन को टिकट दिया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं 2015, 2010, 2005 के विधानसभा चुनाव की स्थिति के साथ वर्तमान में चल रही घटनाओं के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2015 विधानसभा चुनाव के बारे में। साल 2015 में जदयू ने नीरज कुमार को मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहां से अनंत सिंह को जीत मिली थी। वर्तमान में अनंत सिंह विधायक है और वे निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीते थे। साल 2015 के चुनाव में अनंत कुमार सिंह ने 54,005 वोट प्राप्त किए थे। वहीं नीरज कुमार ने 35,657 वोट हासिल किए थे। वोट संख्या को देखने से पता चलता है कि यहां पर जदयू निर्दलीय उम्मीदवार अनंत सिंह से जदयू उम्मीद से काफी पीछे चल रही थी। अब बात करते हैं 2010 विधानसभा की। बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में मोकामा सीट से एक बार फिर से अनंत कुमार सिंह को ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार वो जदयू के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे और उनकी लड़ाई लोजपा के सोनम देवी के साथ थी, जिन्हें 8,954 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। अब बात करें 2005 विधानसभा चुनाव की, तो साल 2005 में हुए चुनाव को देखें तो इस साल भी जदयू का परचम लहराया था और अनंत कुमार सिंह विधायक हुए थे। अब हम चलते हैं साल 2000 के चुनावी साल में। इस बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार की शंखनाद गूंजी थी और सूरज कुमार को जनता ने विधायक की कुर्सी दी थी। अब हम विधानसभा चुनाव साल 1995 और 1990 में चुनाव परिणाम की तरफ देखें तो इस चुनाव में जनता दल का वर्चस्व रहा था और दिलीप कुमार सिंह विधायक चुने गए थे। लगातार वे इस सीट से 10 साल तक विधायक रहे थे। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की बात करें तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा इलाका है जो राज्य को दाल उपलब्ध कराता है। यहाँ दाल से कई किस्मों की खेती भी की जाती है और इसे दाल का कटोरा कहा जाता है। विकास के तौर पर सड़कों की सुविधा लोगों को मिली है। बिजली और पानी घर घर पहुँचने से आम जनता को राहत हुई है। शिक्षा में भी पटरी आगे बढ़ रही है। महिला शिक्षा के तौर पर भी क्षेत्र का विकास हो रहा है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो यह काफी अहम मुद्दा है। किसानों के लिए बेहद ही संवेदनशील मसला भी है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि मोकामा विधानसभा के अंतर्गत टाल क्षेत्र को दाल का कटोरा कहा जाता है और पूरे राज्य में यह दाल उपलब्ध कराती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़ी मेहनत और अपनी जमा पूंजी को बचाकर उसे खेत में दालों की फसल की उम्मीद में लगा दिया जाता है, मगर यहाँ तीन बरसाती नदी बगदाही, धनायन और मुहाने हैं जो लगभग हर साल पूरे फसलों को निगल जाते हैं। किसान का आक्रोश इस बात से व्यक्त होता है कि यह केवल किसान का दुर्भाग्य नहीं बल्कि राज्य और देश का भी दुर्भाग्य है। स्थानीय लोग काफी असंतुष्ट हैं और उनके अनुसार जनप्रतिनिधि से शिकायत है कि चुनाव के दौरान काफी वादे होते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर सार्थक बेहद नगण्य रहती है। बात बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की, वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मोकामा के वर्तमान विधायक अनंत सिंह ने इस बार राजद का दामन थाम लिया है। ऐसे में वो राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन के सहारे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अपने साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी का भी नामांकन करवा दिया है। नीलम देवी मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार होंगी। अनंत सिंह ने अपना नॉमिनेशन रद्द होने के डर से उन्होंने अपनी पत्नी का नॉमिनेशन करवाया है। अब बात जदयू की, तो जदयू की तरफ से राजीव लोचन को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि जदयू ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। ऐसे में अनंत सिंह के सामने जदयू को टिकट देने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और अंत में उन्होंने भाजपा के नेता राजीव लोचन पर भरोसा कर उन्हें टिकट दिया है। अनंत सिंह वर्तमान में आर्म्स एक्ट मामले में पटना में सलाखों के पीछे बंद है। उन्होंने सलाखों के पीछे रहते हुए ही अपना नामांकन करवाया है। अब आइए एक नजर राजीव लोचन पर, जिनके सहारे जदयू अनंत सिंह को हराने की कोशिश कर रही है। राजीव लोचन के पिता वेंकटेश नारायण सिंह उर्फ बीनो बाबू
का देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। इतना ही नहीं, उनका संबंध बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। इन दोनों नेताओं ने अच्छे रिश्ते निभाए हैं और इसी अच्छे रिश्ते के कारण ही आज राजीव लोचन को मोकामा की कमान दी गई है। लोग कहते हैं कि राजीव लोचन का बातचीत का लहजा बहुत ही सरल है, लोग तक उनकी पहुंच बहुत ही आसान है। जैसे ही राजीव लोचन का नाम जदयू के प्रत्याशी के रूप में सामने आया, यह खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प है कि वो इस लहर को वोट में कितना बदल पाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।